आपके साथ ग्रीन टीम पर एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ शाहजेब अली और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब मिर्जा इकबाल बेग साहब। वेलकम बैक टू द शो। मैं समझ लूं सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब सर। शारजा क्रिकेट स्टेडियम इस वक्त मौजूद है, एक तारीखी हैसियत रखता है ये स्टेडियम। सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल खेलने का यहाँ पर रिकॉर्ड है, बहुत सारी मेमोरीज होगी। सबसे पहले उस स्टेडियम के हवाले से बताइए। देखें शाहजेब, जब मैं 1994 में यहाँ पहला टूर्नामेंट कवर करने के लिए आया तो उस वक्त सफेद किट में ये टूर्नामेंट होता था, और उस वक्त जो मैंने पहला टूर्नामेंट कवर किया वो बीबीसी उर्दू सर्विस और बीबीसी एशिया के लिए मैंने किया। और फिर उसके बाद से वक्त गुजरता रहा, इस टूर्नामेंट यहाँ पर शारजा क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट के मैच होते रहे, लेकिन लोगों को जो इंस्पिरेशन मिली वो 1 अप्रैल 1986 में जावेद मियां दाद का वो तारीखी छक्का था जो उन्होंने चेतन शर्मा की आखिरी गेंद पर लगाया, जिसकी वजह से वो हीरो बन गए। मैं ये समझता हूँ कि इस मैदान की तारीख बड़ी पुरानी है, और इस मैदान पर जिस तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दी है, खासतौर पर 1993 में जब बासित अली ने वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाफ बहुत जबरदस्त बैटिंग की थी, 67 बॉल्स पे उन्होंने सेंचुरी की थी, आई रिमेम्बर दैट। हाँ, और उन्होंने बहुत छक्के लगाए थे सारे उनके प्लेयर्स को, तो इस टूर्नामेंट यहाँ पर बड़ी यादें वाबस्ता हैं। इसी मैदान पर मैं एशिया कप जब कवर करने आया था तो मोइन खान को जो है वो जो कप्तान थे उनको चिकन पॉक्स निकल आई थी, फिर उनको जो थे उस टूर्नामेंट में महमूद हामिद एक प्लेयर थे उन्होंने अपना डेब्यू किया, एक जावेद तदीर विकेट कीपर थे, आई रिमेम्बर दैट, अगर आप माली की बात करें वो खेलने के लिए आए, और उनकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। शादे मोइन खान को चिकन पॉक्स निकल आई तो आरिफ अब्बासी जो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रूहे रवा थे उन्होंने कहा उस वक्त जावेद कदीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नेशनल स्टेडियम के ऑफिस में काम करता था, ऑफिस बॉय था, और क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलता था, पीआई में था, तो उन्होंने कहा तुम चले जाओ। अब वो बड़ा खुश हुआ, उस वक्त तो ये तरीका कार नहीं था, ये मैं 94 की बात कर रहा हूँ। तो जावेद कदीर जो थे वो जब गए एयरपोर्ट पर तो पूरा नाजमाबाद उन्हें छोड़ने के लिए आया, और बड़े लोग मौजूद थे, किसी ने उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाई तो कोल्ड ड्रिंक वो पीते रहे उनकी फ्लाइट में से। और उसके बाद जब उन्होंने आरिफ अब्बासी को फोन किया कि आरिफ अब्बासी ने उन्हें बहुत डांटा के तो मैं पता नहीं कि विकेट कीपर मोइन खान नहीं है, तुम ही अकेले हो। और फिर उसके बाद अगली फ्लाइट पर जावेद कदीर रात भर जागा, अगली फ्लाइट पर पहुंचा और सुबह जो है वो यहाँ पर आकर मैच खेला। बहुत सारी यादें वाबस्ता है यहाँ से। मुझे अभी एक और चीज मैं आपको बताऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये टीम ग्रीन के लिए, कि इसी मैदान पर अक्टूबर 1999 में शोएब मलिक ने अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो मुझे अब तक याद है, वो मैंने ट्वीट भी किया और शोएब ने उसको एक्नॉलेज भी किया कि उस वक्त जो ड्रेसिंग रूम था उसके बराबर में मीडिया बॉक्स होता था, और वहां पर एक टेलीफोन बूथ लगा हुआ था मीडिया बॉक्स के पीछे, और लोग कार्ड डालकर फोन किया करते थे। तो शोएब मलिक अब तक पहला वनडे खेल कर आया, जब मैच खत्म हो गया तो मैं कार्ड मेरे पास था, मैं कार्ड डालकर फोन कर रहा था और एक लड़का मेरे पीछे खड़ा हुआ था। जब मैं बाहर उस कार्ड निकाला फोन पे बात कर ली तो उसने कहा ये कार्ड कहाँ मिलता है, तो मैंने कहा कि आज तुमने अपना डेब्यू किया तो अपने घर बात करना चाहता हूँ, कहने लगा हाँ। तो मैंने उसको कार्ड दिया और शोएब मलिक ने अपने वालिद मलिक फकीर हुसैन मरहूम से बात किया, आई स्टिल रिमेम्बर दैट, और शोएब भी याद रखता है, ये उसकी याद रखती है। बड़े दिलचस्प वाकयात है इस मैदान के, अगर आपको बताने बैठूंगा ना तो एक पूरा प्रोग्राम आपके लिए। पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा सीजन है और यहाँ पर मैचेस जब भी होते हैं क्राउड की बहुत इन्वॉल्वमेंट नजर आती है, लेकिन इस वक्त शायद आफरीदी भी खेला है, क्राउड इतना नजर नहीं आ रहा, क्या समझते हैं क्राउड को कैसे अट्रैक्ट करना चाहिए? एक तो यहाँ के जो माली मामलात हैं, फाइनेंशियल हालात, लोग थोड़े परेशान हैं, उसकी वजह से भी एक मेन चीज है। दूसरी चीज ये है कि मैचेस में जुमरात और जुमे के दिन लोग ज्यादा आते हैं, हालांकि ये ग्राउंड मैदान के वस्त में वाक है, लेकिन इसके बावजूद लोग आएंगे। आज पहला मैच है, जो भी आगे की तरफ बढ़ेगा हमें तवक्को रखनी चाहिए, ये पाकिस्तान का ब्रांड है, पाकिस्तान सुपर लीग ने बड़े बड़ों को हिला के रख दिया है कि अगर भारत में आईपीएल होती है तो हम भी इसके मुकाबले की लीग करा सकते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में बड़ी तादाद में लोग आएंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान में इस बार 8 मैचेस हो रहे हैं, 5 मैचेस कराची में, कराची दूसरी मरतबा फाइनल होस्ट करेगा और 3 मैचेस लाहौर में होंगे, नेशनल स्टेडियम का काम भी आपने देखा है, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में मैचेस आना कितना मुश्किल है? ये बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान में मैचेस आना शायकी ने क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मीडिया से हम जैसे वाबस्ता अफराद लोगों के लिए बड़ी एक अजीब सी बात है, क्योंकि
हर आदमी मुफ्त के टिकट मांगने के लिए फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, हर आदमी चाहता है कि वो जाकर देखे। अब नेशनल स्टेडियम कराची की 28-29 हजार की कैपेसिटी है, 2.5 करोड़ की आबादी का शहर कराची है, लेकिन इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। 5 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किद हो रहे हैं, 1955 से वहां मैचेस हो रहे थे। नेशनल स्टेडियम कराची की शनाख्त है, कराची की पहचान है। 3 मैचेस लाहौर में हो रहे हैं, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, तो एक बड़ी अच्छी बात। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगला PSL 2020 में पूरा का पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो क्रिकेट की बात में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग। इसी तरह के एक्साइटिंग एपिसोड हम आपके लिए लाते रहेंगे, शारजा से, दुबई से, कराची से और लाहौर से भी। शाहजेब अली को दीजिए इजाजत, फी अमान अल्लाह।